सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यह है एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट टू। इस वीडियो में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस या कंपाउंड एसिड है या बेस है, और कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक है, या कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है और कौन सा कंपाउंड कम बेसिक है। तो जो भी कंपाउंड्स की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है वो एसिड होते हैं, और जो भी कंपाउंड्स की पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है वो बेस होते हैं, और जिन भी कंपाउंड्स की पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं, मीन्स वो ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम, या फिर कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है और कौन सा कम? तो जो भी एसिड 0 के ज़्यादा पास होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, और 7 के जितना पास होता है उतना वो कम एसिडिक होता है। और ऐसे ही जो बेस 14 के ज़्यादा पास होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, और जो बेस 7 के ज़्यादा पास होता है वो कम बेसिक होता है। मीन्स अगर कोई भी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 0 के पास है तो वो नेचर में बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, और 14 के पास है तो वो नेचर में बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड है, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा बेस है। तो इसका आंसर होगा ये दोनों भी कंपाउंड एसिड है, क्योंकि इन दोनों भी कंपाउंड्स की पीएच वैल्यू 0 और 7 के बीच में है। फर्स्ट कंपाउंड की पीएच वैल्यू है 2 और सेकंड कंपाउंड की पीएच वैल्यू है 4। तो इन दोनों में से कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सेकेंड एसिड से, क्योंकि फर्स्ट एसिड की पीएच वैल्यू है 2 और 2 0 के ज़्यादा पास है 4 से, तो फर्स्ट एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा नेचर में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, तो हम उसका डाइल्यूट बनाते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं रहता। तो अब हम यहाँ पर हमेशा एसिड को ही वाटर में ऐड क्यों करते हैं, एसिड में वाटर क्यों नहीं ऐड करते? तो एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और अगर हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी रिलीज होंगी, जो एसिड है वो बाहर की तरफ उड़ने लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, एसिड में वाटर नहीं। तो पूरे वर्ल्ड में इतने सारे एसिड्स हैं और इतने सारे बेस है, तो इन सब एसिड्स में और इन सब बेस में कॉमन क्या है? तो अब हम यही देखेंगे। तो सब एसिड्स में क्या कॉमन होता है? अगर हम किसी भी एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं, मींस किसी भी एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, तो हमें एच पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। मतलब अगर हम किसी भी एसिड का अगर एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें एच पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, और ये एच पॉजिटिव आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी, या फिर हम बोल सकते हैं एसिडिक नेचर के लिए। तो जब भी किसी भी एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है हमें एच पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। तो अब इन सब बेस में क्या कॉमन होता है? तो अगर किसी बेस को हम वाटर में ऐड करें, मीन्स किसी बेस का एक्वियस सॉल्यूशन बनाएं, तो हमें OH नेगेटिव आयंस, और ये OH नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, और यही सब बेस में कॉमन होता है। तो एसिड्स में एच पॉजिटिव आयंस होते हैं और बेस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एसिड में सभी आयंस एच पॉजिटिव आयंस होंगे और बेस में सभी आयंस एच नेगेटिव आयंस होंगे। इन दोनों में भी एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों भी आयंस होते हैं, पर एसिड में एच पॉजिटिव आयंस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और बेस में OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। और OH नेगेटिव आयंस एसिड में कम होते हैं और एच पॉजिटिव आयंस बेस में कम होते हैं। मीन्स एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन एसिड में ज़्यादा होता है और OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बेस में ज़्यादा होता है। और इसी से हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है,
और वीक एसिड में H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है और ऐसा ही सेम बेस में भी होता है। स्ट्रॉन्ग बेस में OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और वीक बेस में OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। जैसे अगर हम इस एसिड को वाटर में ऐड कर दे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से ये एसिड वीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी पूछ सकते हैं। इन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में।